एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी भी है जो बिल्कुल इसी तरह से लोगों की सुनी सुनाई बातें, देखी भाली बातें, बस उस पर अमल करके समझता है कि मैंने दीन पर अमल करने का हक अपना अदा कर दिया। जैसे हम लोग इस वक्त शाबान के महीने से हम गुजर रहे हैं, और ये शाबान का महीना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये दो बाबरकत महीनों के दरमियान में आने वाला महीना। एक तो इससे पहले रजब का महीना गुजर गया, जो कि बड़ा ही मुहतरम महीना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब से जमाने को वजूद बख्शा उसी वक्त से अल्लाह ताला ने रजब के महीने को मुहतरम महीना बनाया हुआ है। और रजब के बाद शाबान, और शाबान के बाद रमजान का महीना आता है, तो ये रमजान की अपनी जगह पर बरकतें सबको मालूम ही हैं। तो रमजान का बाबरकत महीना और रजब जैसे मुहतरम महीने, इन दोनों के दरमियान में आने वाला ये शाबान का महीना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इस महीने में ये रही है कि आप कसरत से रोजा रखा करते थे। माई आयशा बताती हैं रज़ियल्लाहु अन्हा कि आप रमजान के अलावा किसी और महीने के पूरे महीने के रोजे आप नहीं रखते, और शाबान के महीने में आप कसरत से रोजा रखा करते थे। पूछने पर आपने ये भी बताया सहाबा से कि ये शाबान का महीना जिसमें आमाल बंदों के अल्लाह रब्बुल आलमीन के रूबरू पेश किए जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे आमाल जब पेश हों तो उसमें मेरे रोजे भी शामिल हों। तो ज्यादा से ज्यादा शाबान के महीने में रोजे रखना, बस यही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित अमल है। इसके अलावा शाबान के महीने की और कोई खास खुसूसियत आपने हमें नहीं बताई। ये बस अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही हक हासिल है कि किसी भी वक्त को, किसी भी जगह को, या किसी भी इंसान को कोई जनाब हैसियत अता करे और उसे कोई इम्तियाज अता करे। वरब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार, ये अल्लाह ताला खुद अपने बारे में बताते हैं कि तुम्हारे रब को यह हक हासिल है कि वो जो चाहे पैदा करे और अपनी मखलूकात में से जिसे चाहे चुन ले। यह अल्लाह ताला ही का हक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने यह हक अदा नहीं किया, अता नहीं किया कि आप किसी वक्त को, किसी जगह को अपने तौर पर बाबरकत बना दीजिए। यह अल्लाह ताला ने किसी को हक अता नहीं किया। तो फिर शाबान की 15वीं रात का एहतिमाम आज कई मुसलमान, बस जैसा कि मैंने बताया कि ऐसी कोई भी बात उनको मिल गई और वो ये समझते हैं कि ये काम हमने कर दिया तो बस इसके बाद अगले साल तक ये शाबान की 15वीं रात आने तक के लिए काफी है। बहुत आसानी के साथ बहुत ज्यादा अजर एक ही वक्त में कमा लेने का ये जना गुर हम लोग तलाश करते हैं। हमारे अपने लिए रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह से शाम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने फराइज हम पर आयत किए, क्या क्या काम करने का हुक्म दिया और किन किन बातों से हमें रोका, ये सब हम जानने की फिक्र ही नहीं करते। बस शाबान की 15वीं रात को लंबा क्याम कर लो और उसके बाद दूसरे दिन 15वीं शाबान का रोजा रख लो, तो बस पता नहीं क्या क्या फजीलतें बता दी गई और लोग बस उन्हीं को हासिल कर लेना चाहते हैं। और जो हकीकी मानों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सही दीन लेकर आए उस पर अमल करना और उसे जानना, उसे सीखना, इसकी हमको फिक्र नहीं होती।